उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय में 1 से 10 तक। उत्पत्ति का किताब अब 1 से 4 तक पहले पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 4:1-4। फिर उसने उसके भाई आबिल को भी जन्म दिया। जन्म दिया। आबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और आबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक बैलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। ग्रहण किया। देखिए, एक ही परिवार में दो बच्चे जन्म हो रहे हैं, पहले कैन बाद में आबिल। तो अच्छा है, बच्चा जन्म होना चाहिए, है ना? ये कैसे जन्म होगा बच्चा, बोलो। कैसे एक बच्चा, क्योंकि ये सब देखो, इतना शैतान लोगों के मन खराब करके रख दिए हैं। कुछ बातों के लिए हम अपना आदम मावा के उस ज़माने में जाना पड़ता है सीखने के लिए। इतना हम सीख गए हैं, इतना ज्ञान बढ़ गए हैं, लेकिन जो आदि में से जो ज्ञान था वो ज्ञान खत्म। तो वहाँ पर लिखा है, आदम ने हवा से शारीरिक संबंध किया। कौन? आदम। दूसरा कौन? हवा। कौन है? स्त्री है। ये है पुरुष। पुरुष और स्त्री में ही संबंध होती है, यही परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया है। कोई चीज़ होते हैं, बनाने वालों को पूरा ज्ञान होते हैं, उसके हिसाब से होना चाहिए, तभी बच्चे होंगे। तो आदम और हव्वा के शारीरिक संबंध तो पाप नहीं है, सेक्स पाप नहीं है। सेक्स पाप है? हाँ, नहीं है। तो और बाइबल में सबसे पहले सेक्स का यहीं पर आया। सबसे पहले आदमी औरत दो व्यक्ति सेक्स किया, यहीं पर ही बात आ गई है। तो इसलिए मैं उत्पत्ति का 4 अध्याय को ले लिया। इसमें काफ़ी सारे पहला पहला चीज़ काफ़ी सारे दिखाई दे रहा है। पहला पहला तो सबसे पहला आदमी और औरत के बीच में ही सेक्स होता है। अभी भी होगा, आगे भी। इस पृथ्वी पर लोगों के प्रोडक्शन के लिए, लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ चीज़ है। ऐसा एक स्वर्गीय चीज़ नहीं है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कभी कभी दुनिया ने सेक्स को एक स्वर्गीय चीज़ बना के रख दिए, ऐसा बना दिए कि जिसको मिला नहीं वो लोग अभाग्य है। ऐसा भी नहीं है भाई। कभी किसी व्यक्ति विधवा हो गए होंगे तो चलेगा, क्या करेंगे इसके लिए? वो नहीं होने से ठीक है, नहीं होने से भी ऐसा दुर्भाग्य वाला बात नहीं सोचने का है। लेकिन परमेश्वर ने बनाई एक अच्छी चीज़ है, और ये कब तक अच्छे रहेंगे? जब वो आदमी और औरत वो भी पति पत्नी होंगे, तभी वो जब इस इलाका से, इस बाड़ा से बाहर चला जाएंगे, गड़बड़े आ जाएगा। तो ये भी हमको आपको सिखाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में धीरे धीरे पापों की बढ़ती हो रहा है। आदमी आदमी का भी विवाह कर सकते हैं, आदमी औरत, ऐसा भी नियम लोगों ने निकाल रहे हैं। अभी बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, कितना तक सच है कितना हमको मालूम नहीं है, लेकिन दुनिया तो खराबी दुनिया है, खराबी हो रहा है। विदेश में तो हो ही गया, अभी यहाँ पर भी बात हो रहा है। तो इसमें से शैतानी चीज़ आ रहा है, दुनिया खराबी होती जा रहा है। लेकिन हम दुनिया का तो हम सुधारना हमारा काम नहीं, हम जाके सुप्रीम कोर्ट में
काला झंडा पकड़ के रहने से भी हमारा, हम लोग तो 5% भी नहीं, हमारा देश में हमारा बात कोई सुनेगा भी नहीं। अगर हम 50% होता पॉलिटिशियंस भी डरेगा, ये लोग हमें वोट नहीं डालेंगे इसलिए हमारा बात थोड़ा सुनेंगे। तो पब्लिक में हमारा वॉइस हम उठाने से नहीं, लेकिन अपना कलीसिया काम सही करना चाहिए, कलीसिया वालों को ये सब चीज़ सिखाया जाना चाहिए। हाँ, किसी विश्वासी का लड़का दूसरा विश्वासी का लड़का के साथ कुछ गलत संबंध, हाँ भविष्य में मैं बता रहा, अभी है नहीं, किसी को होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे कलीसिया में भी घुसने के लिए कोशिश करेगा, इसलिए मेरे को पहले से बताना पड़ेगा ये सब शैतानी है। रोमियो को इसमें पहले से भविष्यवाणी में, रोमियो पहले अध्याय में पौलुस ने अच्छी तरह लिख दिया, आप घर पे जाकर पढ़ सकते हो। तो इसके वजह से दुनिया का न्याय विधि भी होने वाला है, ठीक है। तो सेक्स होती है वो ऐसा एक स्वर्गीय आनंद ऐसा भी नहीं है, हाँ वो नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा ऐसा नहीं है, खाने का चीज़ जैसे भी नहीं है, खाना तो चाहिए, खाना ऐसी चीज़ है खाने बगैर आदमी रह नहीं पाएंगे, लेकिन सेक्स के बगैर भी आदमी रह सकते हैं। जैसा हम लोग जब शादी नहीं हुए थे कहाँ हमको मौका मिलेगा, है ना, नहीं उस समय हम इसमें हम उसके लिए हम दुखी नहीं होते थे भाई, खुशी थे तभी भी, नहीं मिला तो क्या, ठीक है मिलेगा शादी का समय बाद में मिल जाएंगे, उसका वेट करो थोड़ा, कोई भी चीज़ अपने समय में मिलने से अच्छा है, समय के पहले जो पका नहीं है कच्चा का पके लेके, आजकल क्या होते हैं ये पका देते हैं पहले से उठा के, हाँ कच्चा पका ही खाने में लोगों को मज़ा आता है, तो अच्छा नहीं। तो परमेश्वर का सही समय पाएंगे आपको मिलेंगे तो अच्छा से मिलेंगे, आनंद से मिलेंगे, पवित्र रहेगा, इसमें से बच्चा भी मिलेंगे, आशीष भी मिलेंगे, एक पवित्र संतान होना चाहिए, यीशु मसीह का गवाही देने वाला पीढ़ी से पीढ़ी तक होते रहना चाहिए। अभी विश्वासी लोग कोई भी बच्चा ही जन्म नहीं देंगे, अभी जर्मनी में देश में बता रहे थे जो सिस्टर आए थे, अभी बोल रहे उनके देश के अंदर हाय नहीं, जर्मनी क्रिश्चियंस हाय नहीं, बच्चे लोग नहीं है, बूढ़ा लोग ही है, कुछ लोग क्रिश्चियंस बच्चे जन्म देते थे बच्चे, बाकी दूसरे देश इधर उधर से आए मुसलमान लोग आके बस गए, वो लोग को तो मालूम है एक आदमी का 4 बीबी है, एक एक बीबी का 5 बच्चे हैं, एक एक लोग 20-20 बच्चे दे दिए, 2 आदमी 20 बच्चे दे दिए, यहाँ 2 आदमी 1 बच्चे भी दिया नहीं, कभी 1 बच्चा दिया वो भी मर गया, तो अभी कितना रहेंगे, फिर बच्चा देना चाहिए कि नहीं भाई, हाँ जिसका 1 बच्चा है प्रार्थना करो प्रभु मुझे और 1 बच्चा दीजिए, कम से कम 2 चाहिए, 2 चाहिए, बच्चा एक आशीष है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 बच्चा जन्म हुआ, कुछ लोग बोलते हैं जुड़वा है, पता नहीं यहाँ लिखा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा है आदम ने हवा के साथ सेक्स किया, उसके बाद काइन मिला, उसके बाद आबेल मिला, ऐसा लिखे हैं, तो शायद कुछ लोग इसके सेंटेंस को देख करके बता रहे हैं काइन और आबेल जुड़वा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता पता नहीं। तो फिर भी बच्चे लोग के अंदर में अलग अलग स्वभाव होती है, ये हमें मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसके हिसाब से बच्चे लोगों को सिखाना है, बच्चे लोगों को आगे लेके जाना है। तो जो बच्चा है प्रभु के बातों को मानता है वो आशीष को ज़रूर पाएगा। तो यही है कहानी हमारे लिए, बहुत छोटा सी कहानी है लेकिन बाइबल की पुरानी कहानी है, आज भी ये कहानी लागू है, आज भी इस कहानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ बात किया। तो बच्चे लोग प्रभु के शिक्षा को पाना चाहिए, बचपन से प्रभु के बातों को मानने के लिए सीखना चाहिए। पता नहीं आदम हव्वा ने कितना सिखाया उन लोगों को,
थोड़ा बहुत, क्योंकि वो लोग तो पहले पाप कर चुके हैं, वो लोग गिर चुके हैं, इनके अंदर भी अंधेरा छा गए हैं। हाँ, वो लोग के अंदर भी पाप भर गए थे, वो लोग भी अपना नंगापन को ढकने के लिए क्या करते थे। हाँ, मालूम है आपको, उत्पत्ति का 3 को पढ़िए, वो लोग क्या कर रहे थे, 3:7। लंगोट बना के घूम रहे हैं। आगे उसमें आप 1 मिनट 17 वचन, हाँ सॉरी, 21 पढ़ना, 3:21। पहना दे। देखिए, वो लोग भी अपना कपड़ा पहनने के लिए कोशिश करते थे, कहाँ से, पता से, पता से कपड़ा होता है। पता से कपड़ा पहनेंगे जो गाय भैंस घूमते रहेंगे, खा के चल जाएंगे। सही रहेगा वो, वही अपना आइडिया जो है, अपना मन भावनी बात है, अपने मन पसंद वाला चीज़ है, पता जैसे रहेगा। यहोवा परमेश्वर ने एक मेमना को बलिदान कराया, उसके चमड़े से आदम हवा को ढक दिया। तो ये चीज़ है, ये लोगों के अंदर में एक उदाहरण है, एक सिखाया गया है। ये चीज़ शायद ये लोग ने सिखाया होगा, तभी तो आबेल को पता चल रहा है। काइन को भी सिखाया होगा, काइन ने माना नहीं होगा और काइन ध्यान नहीं दिया है, वैसे ही रह गया। देखिए, एक ही कलीसिया में आएंगे, 2 विश्वासी आएंगे, एक ही संदेश सुनेंगे, एक अच्छा बन गए, दूसरा खराब। कोई भी चर्च नहीं होंगे दुनिया में जहाँ पर सब लोग आबिल जैसे अच्छे हैं, और हरदम कुछ ना कुछ काइन घर पे, कोई ना कोई परिवार में, कलीसिया में रहेगा। अभी आज भी ऐसे कलीसिया में कुछ लोग क्रिश्चियन लोग हैं, इतना भी बाइबल का ज्ञान नहीं है, बच्चे का नाम रखेंगे काइन। क्या नाम रखेंगे? बाइबल में एक नाम है, उठा के रख देंगे, रख देंगे अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर तो शराबित नाम है, उसको रख देंगे, काइन रख देंगे। तो काइन नाम रखेगा भाई, काइन ही बन जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो काइन नहीं बनना हमें, काइन नाम रखना भी नहीं, काइन बनना भी नहीं, ठीक है, समझ लो। कोई कोई खराब नाम है बाइबल में, मालूम है बाइबल में ऐसा कोई नाम उठा के बत्शेबा रखा है, चलो बेटी का बत्शेबा रख देते हैं। एक यहाँ पर एक बूढ़ी माँ आई थी, नाम क्या है बहन? बत्शेबा। अरे क्या नाम रख दिया, यहाँ बेकार का नाम है। जो पापी स्त्री जो दाऊद को फंसाए थे, जिसके साथ दाऊद ने पाप कराए, वही नाम इसको रख दिए। क्या करेगी वो बूढ़ी माँ, उसके माँ बाप ने किसने रख दिए? तो सोच लो, बाइबल में नाम है ऐसा नहीं उसको उठा के ऐसे रख देंगे, देखना पड़ेगा। काइन का ज़िंदगी अलग है, आबिल का ज़िंदगी अलग है। तो चर्च में आते हो तो इसलिए अभी गाना गाए थे, धन्य है, क्या गाना था बेटा, मार्ग पे चलते हैं। आप चल रहे हैं कि नहीं आपको मालूम? मैं तो मार्ग दिखाने वाला हूँ, बताने वाला। आप चलेंगे धन्य बनेंगे, नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे तो क्या रहेंगे? क्या ही धन्य है प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, उनके वचनों को मानते हुए, मानते हुए पूरे मन से कोसते, मतलब मानते भी है और भी जानना चाहते हैं, कोसते मतलब और भी उसको मालूम करना चाहते हैं। यहाँ बैठ के इन्हें सोचेंगे, अरे तो काबिल काइन का तो मुझे पता, पता नहीं आपको, आपको पता नहीं। अभी मैं 3-4 क्वेश्चन पूछने से पता चलेगा आपको मालूम नहीं होगा।
ठीक है, बाद में पूछता हूँ, कुछ पहले समझा देता हूँ। तो आबिल और काइन दो बेटे हैं, बेटियाँ भी हुए होंगे, पता नहीं, वो नहीं लिखा है कि नहीं, उस ज़माने में काफ़ी बच्चे हुए होंगे। तो मेनली ये दो दो लोगों की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि दोनों ने परमेश्वर का भेंट चढ़ाया। सबसे पहले मनुष्य परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने वाले कहानी। सबसे पहले चरवा कौन है? आबिल। सबसे पहले किसान कौन है? काइन। सबसे पहले कब सेक्स हुआ है? आदम हव्वा ने। कहाँ पर है? उत्पत्ति का 4 अध्याय में। पाप होने के पहले सेक्स नहीं किया, हाँ किया होता कम से कम एक पवित्र संतान मिल जाता, ये लोग किया नहीं, पाप होने के बाद ही किया, तो इसलिए अभी कचरा संतान मिला। तो यहाँ पर जन्म हुए हैं, ये खराब निकला, एक अच्छा निकला। काइन भी अपना भेंट चढ़ाया और आबिल भी अपना भेंट चढ़ाया। तो बताइए दोनों के बीच में क्या अंतर है? क्यों आबिल को स्वीकार किया और काइन को इनकार किया? काइन के भेंट को क्यों इनकार किया, आबिल का भेंट को क्यों स्वीकार किया, बताइए। ये तो मालूम है ना, आबिल का प्रभु ने इनकार किया कि नहीं स्वीकार किया? क्या किया? आबिल का इनकार किया, स्वीकार किया? स्वीकार किया। काइन का क्या किया? इनकार किया। ठीक है, क्यों क्यों इसका इनकार क्यों नहीं किया? पक्षपात है क्या? हाँ, पक्षपात करता है, इसको देंगे उसको नहीं देंगे, बताइए क्यों नहीं स्वीकार हुआ है? तो आंसर वहीं मिलेगा, एक आंसर तो वहीं पर ही है, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। एक आंसर और बहुत आंसर है, मेन आंसर एक है, लास्ट में बताऊंगा, उसमें एक आंसर है, सबसे पहले वहीं पर ही है, आप पढ़ना। चार और पांच पढ़ना, उत्पत्ति का 4:4-5। ग्रहण किया, ग्रहण नहीं किया। अभी देखो सुनंदा, अभी आ गए, सुन लो क्वेश्चन, सुन लो। उसने भी भेंट चढ़ाया, किसान, सबसे पहला किसान कौन था दुनिया में? सबसे पहला चरवा कौन था दुनिया में? ठीक। तो क्यों स्वीकार नहीं किया? यहाँ पर एक रिप्लाई तो वहीं पर मिल रहा है, वो आप बता दो क्या लिखा है उसमें, क्या लिखा, क्यों नहीं किया है? हाँ, वो बात में हो गया, उसका परिणाम है, वो प्रभु ने स्वीकार नहीं किया इसके वजह से उसका क्रोध आ गया। सबसे पहले गुस्सा भी आई पर आ रहा है भाई, भाई। उत्पत्ति का 4 अध्याय में सबसे पहला सब चीज है, इसमें मैंने चुन चुन के निकाला करीबन 15-20 चीज है, पहला वीणा बजाने वाला भी वहीं पर है, जुबाल, हाँ सबसे पहले वो काम करने वाले हैं, गोल्ड स्मिथ तुबाल काइन, वो भी यहीं पर। ठीक है, तो मेरा एक सवाल जवाब इसमें मिल रहा है। देखो यहाँ लिख रहा है आबिल और उसके भेंट प्रभु ने स्वीकार किया, क्या लिख रहा है? आबिल और उसके भेंट,
और वहां लिख रहा है काइन और उसके बेंट को प्रभु स्वीकार नहीं। इसका मतलब क्या है? आत्मिक का बेंट स्वीकार करने से पहले प्रभु आत्मिक को भी स्वीकार करना चाहिए। समझो, अभी समझ में आ गया? अभी एक आंसर इसी में से डायरेक्ट, इसको ज़्यादा बाइबल नॉलेज नहीं चाहिए, यहीं से मैं बता रहा हूँ। परमेश्वर ने आबिल को स्वीकार किया, आबिल के मनोभावना को स्वीकार किया और उसके दान को भी ले लिया है। कायन आया, उसको प्रभु नहीं स्वीकार कर पाया, मनोभावना सही नहीं है, उसके दान को भी प्रभु। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज मसीह समाज में काफ़ी लोगों के साथ हम लोगों की बातचीत होती है, व्यवहार होती है, इसमें से हम लोगों के जीवन में मनोभावना को हम बदलना चाहते। मनोभावना जब तक नहीं बदलेंगे, हाँ, हमारा सोच विचार में बदलाव नहीं होगी, हम दान दे करके प्रभु को खुश नहीं कर सकते। दान तो देना ही पड़ेगा आपको, दशांश तो देना है, दशांश जितना आप कमा रहे उसमें 10 में 1%, 100 में 10% देना है, वो देना है, लेकिन उसमें आपका मन होना चाहिए। आपको प्रभु स्वीकार करेंगे, आपका दान को भी स्वीकार करेंगे। समझ में आ गए? परमेश्वर इंसान को स्वीकार करेगा, इंसान का दान को भी स्वीकार करेगा। दो दमड़ी डाले थे एक विधवा बहन, परमेश्वर ने उस विधवा बहन को स्वीकार किया, उसका दो दमड़ी को भी स्वीकार किए। कुछ लोग बोलेंगे, पास्टर जी वो गरीब स्त्री दो दमड़ी डाले थे इसलिए हम भी 2 रुपया डाल देंगे। मनोभावना का प्रभु कैच कर लेंगे आपके मन, मैं तो देख नहीं रहा कितना डाल रहे, लेकिन मनोभावना को प्रभु क्या करेंगे, फोटो खींच लेंगे। मन में ऐसे गलत विचार आएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बाद वही था भाई, उसके बाद 2 दमड़ी बचा था, वही भी उसने डाल दिया, आपके पास और भी बचा है, तो आप उसी का कहानी शरण नहीं ले सकते। तो मनोभावना सही होना चाहिए। ये नहीं सोचना है मैं दे दूंगा, मैं गरीब हो जाऊंगा, कलीसिया वाला अमीर हो जाएंगे, ऐसा सोचकर नहीं देना चाहिए। मनोभावना सही होना चाहिए। आबिल तो इसलिए आज मैं मनन कर रहा था, मुझे इस चीज़ सीखने को मिल गया। हाँ, मैं बताता हूँ काफ़ी सारे कारण और मेन आत्मिक चीज़ भी है इसमें, वो भी बताऊँगा, लेकिन सीधा सीधा समझ में आ रहा है इसमें। काइन और उसको ऑफरिंग स्वीकार नहीं किया, आबिल और उसके ऑफरिंग को स्वीकार नहीं किया, मतलब काइन को स्वीकार योग्य नहीं है, उसके ऑफरिंग भी स्वीकार योग्य नहीं है। अभी ठीक है, कुछ लोग हैं दुनिया वाले, बहुत अच्छा गायक लोग होते हैं, वो लोग प्रभु का गाना भी गाते हैं, है ना, वो लोग सोच रहे प्रभु के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, करने दो, अच्छा ही है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ जब तक आदमी प्रभु का बच्चा नहीं है, प्रभु का अभिषेक नहीं है, उसका गाना ठीक है सुनने में अच्छा भी रह सकते हैं, लोगों को थोड़ा एंजॉयमेंट हो सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर पाएगा लोगों को, दिल को वही टच करेगा जो अभिषेक के साथ गाने वाले हैं, वही प्रभु के हाथों में काम में आएगा, वही प्रभु के चाहिए। आज लोग सोच रहे हैं मेरे बच्चा अच्छा गायक बन जाए, अच्छा एक गिटारिस्ट बन जाए, फेमस बन जाए, ये मनोभावना सही नहीं है। सबसे पहले आपको क्या मनोभावना होना चाहिए, मेरा बेटा बेटी एक अच्छा विश्वासी बनना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों को सामने लाइए वही गीत गाएगी अच्छा से, गाओ चर्च में वहाँ बैठ के गाओ, घमंड नहीं दिखाने का, अपना मनोभावना को सही करने का।
यहाँ आए नहीं कोई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ जगह में होते हैं, तो धीरे धीरे शैतान कोशिश भी करेगा। कभी भी ये नहीं सोचने का कि मैं बड़ा हो जाऊँ, ऐसे मनोभावना से गीत गाएंगे तो भी फायदा नहीं होगा। आनंद के साथ प्रभु के हुजूरी में हम प्रभु का आराधना करते हैं, हमेशा गाना गाना चाहिए, आनंद से गाना चाहिए, अकेला में भी, घर में भी। अभी चार दिन में बिस्तर में पड़ा हुआ था तो ये सोमवार के दिन में मुझे गाना आया था, घेर का मुझे आगे और पीछे रख रहता है अपने हाथ मुझ पर। मैंने गाना तो लिख दिया, लेकिन चार दिन वो गाना मेरे काम में आया है, नहीं तो मेरे को विश्वास नहीं आ रहा था, हिम्मत नहीं आ रहा था। वही गाना गाते गाते प्रभु मुझे हिम्मत दिया, तूने मुझे घेर रखा है, तेरा हाथ मुझ पर रखा रहता है। कोई भी मीटिंग हम मिस नहीं किए प्रभु की कृपा से। पूरा बुखार था उस दिन, चंगाई मीटिंग रख दिया था इच्छापुर में। मैं सोचा चंगाई मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज मुझे चंगाई मिलना चाहिए। मैं वहाँ प्रचार नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला, लेकिन मैं जा रहा हूँ वहाँ, मुझे चंगा। पूरा बुखार के साथ ही गया, मीटिंग शुरू ही नहीं हुआ, मैं जाके पीछे बैठ गया था। वहाँ के विश्वासी को पूछे, पूरा इतना पसीना 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 पसीना, पूरा बुखार चला गया। प्रचार भी शुरू नहीं हुआ, आराधना भी शुरू नहीं, कुछ नहीं, बस मैं बैठा रहा। ये हमारा प्रभु का महिमा है, ये हमारा प्रभु की महिमा है। प्रभु दिलों को देखता है, प्रभु मनों को देखता है। तो बोलते हैं आबिल और उसके दान को अभी समझ में आ गए, आबिल का दान क्यों अंगीकार हुआ बेटा बोलो क्यों? क्योंकि आबिल को अंगीकार हुआ। आबिल क्यों अंगीकार हुआ? उसके मनोभावना के कारण। कायन का दान क्यों अंगीकार नहीं हुआ? क्योंकि कायन ने अंगीकार नहीं हुआ भाई, कायन ही अंगीकार नहीं हुआ, उसका दान भी अंगीकार नहीं होगा। देखिए हम लोग का किसी का प्रार्थना अंगीकार नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना, ये भी याद रखो, क्योंकि यीशु अंगीकार हुआ है। और इफिश में लिख रहा है उसके द्वारा एक्सेप्टेड इन द बिलवड, उनके अंदर भी उसी में होकर दर मिटा रहा है, उसी में हमें अंगीकार हुआ, इसलिए हमारा प्रार्थना अंगीकार हो रहा है। अपना कुछ भी आप अच्छा गाने से भी अंगीकार नहीं होंगे, मैं अच्छा प्रचार करने से भी अंगीकार नहीं होगा, मेरा कुछ भी कुबियत से मुझे अंगीकार नहीं होता। परमेश्वर में कभी पक्षपात नहीं है। तो आपका दान अंगीकार करना है, परमेश्वर अंगीकार करने वाले हैं, सबसे पहले मुझे और बाद में मेरे दान। तो नीति वचन में एक वचन है, ये मेरा बेटा तेरा मन मुझे देना। हमारा तमिल में एक बहुत पुराना गाना है, बेटा तेरा दिल मुझे देना है, बहुत पुराना म्यूजिक का है, आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा सहन लेना। मगने उन्नजनक तारायो, मगने उन्नजनक तारायो, मोच वाड़ तरवेनिद पारायो, मगने उन्नजनक तारायो। तो ये गाना से प्रभु मेरे दिल में काम किया। गाना बहुत जरूरी, गाना बहुत, इसलिए हमने गाना को यूट्यूब में डाल दिया फट से करके, ये गाना जो तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, जरूर काफी लोग होंगे पढ़े होंगे, उनके अंदर ये गाना जरूर काम करेगा, भाषण से ज्यादा अद्भुत काम करेगा।
वो गाना अगर वो लोग अच्छे से सुनेंगे तो। तो यहाँ पर आविल स्वीकार किया गया क्योंकि उसकी मनोभावना अच्छी थी, और मनोभावना के मनोभावना ये भी मेन चीज़ है। मनोभावना ऐसे नहीं है, मनोभावना में क्या था ये हमको मैं आपको बताना चाहता हूँ। मनोभावना बोलने से ऐसा नहीं है, बहुत जेंटल आदमी है ऐसा नहीं है। मनोभावना मतलब उनके भरोसा किस पर था। मनोभावना में बात ये होती है मेरे भरोसा किस पर है। उसका भरोसा बलिदान हुआ मेमना के लहू के ऊपर, मेरे पापों के लिए मेमना बलि चढ़ाया जा रहा है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो यही मनोभावना है, मनोभावना है। मनोभावना में भरोसा किस पर है? और कायन के मनोभावना क्या है? मैंने मेहनत किया, मेरा कमाई है, मैंने बीज बोया, मैंने फसल काटा, मेरा काम है, मैं अच्छा किया, मैं ये किया, ले लो अभी आग लाओ। बस उस समय क्या होते हैं, बलि चढ़ाना पड़ेंगे। अगर प्रभु ने ले लिया पता चले कैसे चलेंगे, ऊपर से आग आके खा लेगा। ऐसे ही होगा, कोई विजिबल साइन दिखाया होगा, नहीं तो गायब हो गया होगा कुछ ना कुछ। लेकिन इसका तो वैसे ही वैसे रह रहा है, जाके सब्जी रखा ये रखा एक भी टच नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन नहीं है, ऐसा तो है नहीं। ऐसा है नहीं भाई, ऐसा जाके कहीं जाके प्रचार मत करना, ऐसा है नहीं। बात यह है इंसान की मनोभावना उसमें जुड़ा हुआ है। आबिल ने भरोसा को एक बलिदान लहू के ऊपर रखा है, कायन ने अपने मेहनत अपने कमाई अपना खुद का कामों की भरोसा, यही गलत मनोभावना है। वहीं से गमन पैदा होता है, वहां से गुस्सा पैदा होता है, वहां से सब बुराई का जड़ पैदा होता है जहां पर इंसान की भरोसा। इसे बोलते पैसे की भरोसा हर बुराई का जड़ है, गलत भरोसा है। चाहे पैसे हो चाहे अपना खुद की बड़े धार्मिकता का काम हो, वहीं से बुराई का जड़ है। एक जड़ नहीं, बुराई का बहुत सारा जड़ होते हैं। उसमें पैसे की भरोसा रखना और अपना धार्मिकता पर भरोसा रखना, ये सब बुराई का जड़ है। इसमें से काफ़ी बुराइयां निकल आती है। तो उसके मनोभावना में अभी मैं बता दिया आपको क्यों नहीं स्वीकार हुआ है। तो अभी बच्चे को भी संडे क्लास में भी सिखाएंगे, ऐसा बाद में बोलने का, बाद में फ़ोन करो, जो ऐसा अर्जेंट काम है उसको बोलने का, अभी मैं चर्च में हूँ। तो मेन चीज़ है, देखो ये सब आपको सीखने को मिल रहा है। अभी मैं कमज़ोर हूँ करके घर पे लेट आ रहा हूँ तो कैसे होंगे, नहीं होगा ना काम भाई, प्रभु के लिए करना पड़ता है, प्रभु मदद करते हैं। तो आबिल मनोभावना में मेन चीज़ है था, आबिल को इस कहानी मालूम था, हमारा मम्मी पापा ने नंगापन को ढकने के लिए ये सब्जी का पत्ता लेकर के कोशिश कर रहे थे, वो फेल हो चुके थे। बाद में हमारा परमेश्वर ने उनके लिए बकरा को बलि चढ़ाकर एक चमड़ा से उनको ढका था, वही पापों को निकालेगा। हाँ, उस बातों को आबिल के मन में रखा हुआ था, वही मनोभावना है, लहू पर भरोसा है। यीशु के लहू पर भरोसा रखने के बगैर आज जितना चल रहा है ये सब स्वीकार होगा? नहीं, कुछ भी कूदो कुछ भी करो। अभी डायमंड लिख रहे हैं सूरत में, कई डायमंड करके रखे हैं, अभी हर 24 आवर्स वो भी रखना पड़ेगा उसके लिए, चौकीदार भी। हाँ,
हमारा परमेश्वर के बारे में बोलते हैं इज़राइल का रखवाला कभी सोते नहीं है, हाँ बार बार वो हमारा चौकीदारी कर रहा है, लेकिन ये वहाँ उल्टा है। क्या करें, लोगों की आंखें बंद है, लोगों की आंखें बंद है, भरोसा गलत जगह पर है, भरोसा अपना खुद के काम पर है, खुद ने बना दिया सुंदर से, ये हमारा भगवान, ये हमारा, ये यही गलत मनोभावना है। अगर दुनिया की लाखों करोड़ों लोग भी गलत भावना करेंगे, परमेश्वर मानने वाला नहीं है। अगर एक आदमी भी सही मनोभावना से लेकर जाएगा, परमेश्वर इसलिए अब छोटा संख्या में करके डरो मत। परमेश्वर आपको स्वीकार किया, आपका दान को भी स्वीकार किया, मैं बता, और आपको आपको इसलिए स्वीकार किया, आपका भरोसा यीशु के लहू पर है, इसलिए आपको स्वीकार किया। ये चेंज जैसे आता है, यीशु को पिता ने स्वीकार किया, उस यीशु को मैं भरोसा किया, इसलिए उसके अंदर मुझे स्वीकार हुआ, मैं स्वीकार हुआ, इसलिए मेरा दान भी स्वीकार हुआ। कभी भी नहीं सोचना है पास्टर जी ज़्यादा पैसा देने वाले को दोस्त होंगे, ऐसा नहीं, हम नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोगों की मनोभावना को देखते हैं, क्योंकि जो आदमी प्रभु का दोस्त वही हमारा दोस्त है, पता है, जो भी प्रभु का दोस्त है वही हमारा दोस्त है, जो प्रभु का बायरी है हमको भी बायरी, क्योंकि वो प्रभु का बायर कर रहा है, हमको कहाँ दोस्त करेंगे, वही हमारा प्रभु को ही बायर करने वाला हमको दोस्त करेंगे, करेंगे तो भी हमको कौन चूस लेंगे, फिर चूस के चोट देंगे। तो इसलिए स्वीकार करने के लिए मेन चीज क्या है, मनोभावना, मनोभावना में मेन चीज क्या है, भरोसा। भरोसा किस पर होना चाहिए, खुद के धार्मिकता पे, नहीं तो क्रूस के बलिदान पर, क्रूस के बलिदान। सिंपल देखो, मसीह संदेश बहुत, संदेश बहुत आसान है, किसी को भी नया आदमी को बताने के लिए मुझे बुलाने का आपका जरूरी, आपको इतना मैंने सिखा दिया, आप जाके बोल सकते हो किसी को भी, एक बच्चों को भी, छोटे मोटे लोगों को, अगल बगल में जो भी मिल रहा है बताओ, यही सिंपल सॉल्यूशन है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग गुस्सा होते हैं। अब यहाँ पर आबिल ने क्या गलती किया, आबिल ने गलती क्या किया भाई, काइन को क्यों गुस्सा आ रहा है, आबिल गलती किया कुछ, तो बाइबल में लिख रहा है काइन क्यों गुस्सा हो गया, नया नियम में पढ़ोगे योहान लिख रहा है शैतान उसके अंदर आ गया। देखो मनोभावना गलत होगा ना, शैतान आ जाएगा अंदर। बहुत ध्यान से सुनिए, बच्चों लोग भी सुनो, बड़े भी सुनो, मनोभावना गलत रखोगे, वेलकम वेलकम माय डियर शैतान, वेलकम 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 कारपेट आप बिछा रहे, वही बता रहे हैं योहन्ना में, एक योहन्ना 3:12 अगला वचन, अचंभा ना करने, यही काम है, यही जो काइन के अंदर शैतान रह करके आबेल को बायर किया, वही शैतान आज लोगों के अंदर रह कर, उनसे गुस्सा मत होना, उनके अंदर जो काइन का आत्मा, अंदर जो शैतान की आत्मा है, इसलिए वो भी कारण यहाँ क्लियरली लिख दिया योहन्ना ने, उसको बता दिए भाई प्रॉब्लम क्या था, काइन गलत था, आबिल सही था,
लेकिन काइन सोच रहा है मैं सही आबिल गलत, तुम भी मेरे जैसे करो, तुम्हारा क्या ले रहा है, तुमको क्या मिल रहा है, तुम क्यों प्रभु का नजदीक आ गए, तो प्रभु तुम्हारे साथ पक्षपात कर रहा है। लेकिन बीच में, इसके बीच में एक बात आपको सिखाना पड़ता हूँ, वो सीखना चाहिए। परमेश्वर एक अच्छा बोधक है, क्या बोला मैंने, परमेश्वर एक अच्छा टीचर है, टीचिंग। सबसे पहले यहाँ पर एक टीचिंग भी हुआ है, बाइबल टीचिंग यहाँ एक बाइबल स्टडी हुआ, अपना ब्रदर कायन को परमेश्वर डायरेक्ट एक टीचिंग भी, इसलिए मैंने बोला इस किताब पहला बहुत चीज़ है, पहला मॉरल इंस्ट्रक्शन एक आदमी को दिया जा रहा है। पहले तो उन लोग को दिया गया, वो लोग तो उल्लंघन कर दिए थे, बाद में जब फॉल के बाद सबसे पहले बलिदान भी ये लोग चढ़ा रहे हैं, सबसे पहले उनको परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब पढ़िए उत्पत्ति का 4:6-7। यहोवा ने केन से कहा, मतलब ये लोग बात तो चल रहा था, परमेश्वर लोगों से डायरेक्ट बात थोड़ा बहुत चल ही रहा, कहीं से कहा तुम क्यों क्रोधित हुआ, मुंह उतर गए, यहां था मुंह नीचे बैठ गए, बोलते हैं ना हिंदी में वही बोलते हैं, यहाँ उदासी छा गया लिखा है, ऐसा नहीं उतर गया मुंह, देख भी नहीं पा रहे आगे। यदि तू बलाय करे तेरे बेट ग्रहण नहीं की जाएगी, द्वार पर छिपा रहता है, ये बहुत 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 भयंकर शब्द है। अगर तुम बला करेंगे तुम्हारा बेट ग्रहण की जाएगी, ये भी यहाँ पर एक सीखने को मिलता है। सबसे पहला एक स्टेटमेंट है, परमेश्वर पक्षपात करने वाला है नहीं, उसका ज्ञान यहाँ पर हमें पता चल रहा है। देखो परमेश्वर का चीज है यहाँ से लेकर यहीं तक सेम, अगर उस दिन पक्षपात नहीं है अभी भी आगे भी नहीं। मैंने बोला उस दिन भाई किसी का 80% टीचर दे दिया, किसी को 30% दिया, 30% वाला जाके टीचर से लड़ेगा पक्षपात किए, टीचर बोलेगा नहीं बेटा तुम भी उसके जैसे लिखता तुमको भी मैं देता, यही बात। कायन को प्रभु बोलते तुम भी उसके जैसे करो ना, उसे ले लो ना, वो देगा ना, वो आपका भाई ना, नहीं देगा तो मुझे बोलना, मैं उसको कहता वो मानता ना, करना भाई क्यों नहीं। हमारा तमिलनाडु में ऐसा होता है, अभी यहाँ पता नहीं, यहाँ होता है ऐसा कटी होता है, कटी आधा माँ बाप भी कटी, अबेल कटी, यहोवा परमेश्वर, फिर आया शैतान, मैं हूँ तेरा दोस्त भाई, पास्टर जी भी कटी कर लो और विश्वासी लोगों से भी कटी कर लो, ये पास्टर विश्वासी मानने वाले यीशु से भी कटी कर लो, मजा ले, मजा क्या सजा ही नहीं। यहाँ प्रभु बोलते हैं तुम बलाई करोगे तो बलाई तुम्हारा होगा भाई, तुमको मैं स्वीकार करूँगा, पक्षपात तो नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आ रहा है, अगर तुम भलाई नहीं करोगे, अगर इस बात को तुम नहीं मानोगे, गुस्सा ही रख के रहोगे, चे उतरे हुए रहेंगे, उदासी में पड़े रहेंगे, रिश्ता को ठीक ही करेंगे ही नहीं,
आपके द्वार पर पाप छिपा रहेगा। पाप लिखा है, पाप मतलब पाप का मालिक शैतान छिपा रहेगा। अभी सब देखो, अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम मीटिंग खत्म हो गया 10-15 मिनट में, हम लोग बाहर जाने वाले हैं। अभी बाहर जाने के समय में पूरा इस जगह पूरा घेर के 2-3 शेर बैठे हुए हैं, बैठा दो बालकनी में, बालकनी में भी बैठे हैं, 2-3 सीढ़ी में भी लेटे हुए हैं, एक रास्ता में भी लेटे हुए हैं। सोच के देखो, यही आने का है। अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो द्वार पर ही वो शैतान, कुछ नहीं, थोड़ा धक्का, अभी यहाँ तो खोलने का भी जरूरत नहीं है, तो धक्का दे के अंदर ही। सोच लो, अगर आप, प्रभु ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, ऐसा नहीं किसी को नाश होने के लिए, देखो ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने काइन को नाश होने वाले के लिए बनाया, आबिल को बचाने के लिए बनाया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सभी को बचाने के। और अगर उसको नाश होने के लिए जाना था, क्यों उसे बात क्यों करेगा? बात इसलिए करें उसको बचाने के लिए, और उसको बचाने के लिए आबिल को भी बचाने के लिए। मालूम था प्रभु अगर ये ऐसा रहेगा, आबिल को भी मारेगा, ये भी नाश हो जाएगा, तो प्रभु बात करने वाला परमेश्वर, लेकिन माना नहीं, माना नहीं। शैतान का थोड़ा जगह दोगे और जगह लेगा, और जगह लेगा, और कड़वावट, और गुस्सा, और कड़वावट, और गुस्सा, और अत्याचार, गाना गाते नहीं, और साम और महिमा, वो गाना बदल कैसे बदल जाएगा, और कड़वा है, और गुस्सा, अत्याचार, विचार, और गुस्सा, ये गाना चाहिए, वो गाना चाहिए, मोर लाव, मालूम है हिंदी में होगा ना गाना, मोर पाव, More of you in my heart, in my life, मेरी जिंदगी में आपका प्रेम चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी सामर्थ चाहिए। लेकिन अभी शैतान दोस्त बनेगा, शैतान बोल रहे लावा और कड़वा और गुस्सा, और झूठ मूठ का भी रूमर्स फैलाएंगे, ऐसा किया था, वैसा किया था। बिल्कुल आबिल का गलती नहीं है, योहन्ना क्लियर बता दिया, भाई वही प्रॉब्लमेटिक आदमी था, लेकिन इसको प्रॉब्लम समझ के इसके साथ घात किया है, शैतान उसके अंदर था। और ये जब यहोवा परमेश्वर बात कर रहे थे, शैतान उसके अंदर नहीं था, शैतान तुरंत नहीं आ पाता, शैतान बाहर था। प्रभु ने बोला तेरे द्वार पर आ गया भाई, आने वाला है शैतान, सावधान रहो। लेकिन ये सोचा कोई नहीं, हम देख लेंगे, कुछ लोग बोलेंगे भाई थोड़ा सावधान रहे पास्टर जी, आप क्या सोच कर रखे, हम कितने अच्छे आदमी हैं, ऐसे ऐसे पिक्चर मैं थोड़ा देखूंगा, हाँ ऐसे ऐसे तो मैं तो करता ही नहीं पास्टर जी, ऐसा घमंड नहीं करना है भाई, ठीक है, ठीक है ब्रदर, ठीक है पास्टर जी, मैं सावधान रहूँगा, यही मनोभावना सही। जब प्रभु ने बोला, अगर वो समय में मन फिर जाता, अपने भाई से मेल मिलाप कर देता, जो बलिदान परमेश्वर जो रखा है, मेमना के लहू से ही पापों को धोया जाएगा, लेवी का 11:22 में लिखा, इब्रानियों का 9:11 में लिखा, बाइबल में काफी जगह में लिखा, लहू बहाने बगैर पापों की क्षमा नहीं है। अगर कायन का उस दिन स्वीकार किया होता, क्रूस का संदेश भी बेकार है, कलीसिया भी पागल है, सब लोग बेकार है, लेकिन नहीं है, कायन को स्वीकार नहीं किया, इसी से हमको हिम्मत से मालूम है, दूसरा कुछ भी लोग करने दो, उनको परमेश्वर स्वीकार करने वाला ही
नहीं है, क्योंकि उनके मनोभावना क्रूज के ऊपर भरोसा में नहीं है। उनके मनोभावना में मेन फॉल्ट यह था, हाबिल के मनोभावना में काइन के मनोभावना में फर्क क्या था? मनोभावना में भरोसा की बात होती है, क्या भरोसा से आए हो? मैं 2000 दे रहा हूं, 25000 दे रहा हूं, 5000 स्वीकार करना, ठीक है दीजिए भैया, अच्छे मन से दीजिए। रोड का कलर दे करके प्रभु स्वीकार, आपके मन का कलर दे करके स्वीकार करेंगे। मन में क्या भरोसा है, किस भरोसे पे आए हो? मेरे पास ये है वो है, ऐसा नहीं। मैं आया हूँ प्रभु तेरे भरोसा में, ये सीखना मेरे भाई बहन। मैं काफ़ी लोगों को देख करके, 50 साल के क्रिश्चियन है, 40 साल का क्रिश्चियन है, मनोभावना में ज़्यादा से ज़्यादा अपना भरोसा रहता है, अपने बच्चों को भरोसा रहता है, अपने बच्चों को बाहर लाना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा आदमी है, अपने पैसे की भरोसा, अपना सुंदरता की भरोसा, अपना पढ़ाई का भरोसा, अपना नौकरी का भरोसा, यही मनोभावना काइन का मनोभावना है, शारीरिक मनोभावना। मनोभावना सही नहीं है, वही हमें प्रभु से दूर कर देता है। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु